क्या हुआ भाई, आओ एक बार आओ, बताओ क्या हुआ इसको। ऐसा आप तो कर रही है ना, है? एक तो चर नहीं रही है बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं खा रही है, थोड़ा बहुत खा रही है। पांच सात बार इंजेक्शन लगा दिए, लेकिन शुरुआत से बताओ हुआ क्या था। रस्सा लगे हुए। अच्छा, शुरुआत से चर नहीं रही है बिल्कुल ही, थोड़ी बहुत जुगाली करती है, गोबर कैसा करती है? अच्छा, कभी कभी पतला गोबर। अब अभी ये गोबर इसी ने किया है क्या? ये तो गोबर ठीक है। अच्छा, तो जो आए थे उन्होंने इंजेक्शन लगाया या कोई दवाइयाँ वगैरह दी या कोई ग्लूकोज वगैरह ड्रिप वगैरह? बुखार रहता है ना, उन्होंने बताया भाई लगातार ही बुखार रहता है। बड़े आज ठंडी पड़ गई, आज ठंडी है और हमेशा गर्म रहती है ना। और उन्होंने जो भी आया उन्होंने बुखार बताया, और कोई बीमारी का नाम बताया क्या उन्होंने? अच्छा, उन्होंने ये कहा कि भाई बुखार आया हुआ है ना। चलो डालो राणे भाई। देखो अभी चेक करेंगे, देखें तो कितने दिन कितने हो गए। फर्स्ट टाइम बीमार हुई थी, आपको पता चला कि बीमार है, उस दिन को कितने दिन हो गए? 20 दिन। और प्रेग्नेंट कितनी बताई आपने? 7 महीने है ना, 7 महीने की प्रेग्नेंट है, 20 दिन बीमार को हो गए हैं। और गोबर ये आपके सामने है, पहले कभी पतला होता था ऐसे बता रहे हैं। ये पतला भी हुआ था क्या गोबर के बीच बीच में? ऐसा ही कर रही है। पेट में क्या क्या दवा दे दी इंजेक्शनों के अलावा? दो कैप्सूल दिया ना। कैप्सूल है क्या आपके पास कोई कागज वगैरह? है ना, रखना चाहिए पेट में जो जो चीजें दे ना उसको रखना चाहिए। नहीं 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 नहीं, रखेंगे। थोड़ा कटोरी में तेल लेके आओ, चेक करेंगे इसको आज पूरा। तू ग्लव्स के बगैर आया क्यों ये बता, तेरा काम ही क्या है आज ग्लव्स के बगैर आता? तो स्लीव्स ले ले, पहले टेम्परेचर ले लेना कितना है। टेम्परेचर से पता चल जाएगा। राणे भाई स्किन देखो, उधर से रूमिनल मूवमेंट देखो, पहले स्किन को चेक कर लो। ये स्थिति है स्किन की, गड्ढा तो बन रहा है यार, है ना, बन रहा है ना। अब उधर से रूमिनल मूवमेंट देखो। नहीं, बच्चा बच्ची नहीं गिराने देंगे और इसको तैयार भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 20 दिन हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस तैयार होने के बाद आप मुझे वीडियो भेजना इसका। जब ये तैयार हो जाए ना तब मुझे वीडियो भेजना है। 100.3 है ना, बिल्कुल तैयार हो जाएगी, कोई डर वाली बात नहीं है। अब देखो रूमिनल मूवमेंट देखो, दबा कर को जबरदस्त। बाकी मुंह में से पानी गिरना, मुंह में से कभी बदबू आना, अकड़ के चलना, ऐसी कोई शिकायतें तो नहीं है? हाँ, थोड़ी बहुत घुमाया करो। लास्ट बार इंजेक्शन लगे हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन पहले लगा था, है ना। तो थोड़ी बहुत जुगाली तो करती होगी कभी कभी। अच्छा, मुंह में अंदर जाता नहीं है ना, कम है ना। चलो एक बार बच्चे का मूवमेंट देखो भाई, इधर से मत लाओ, अभी उनको देखना, तो बच्चे का मूवमेंट जरूरी है। देखो पड़ोसी तो पूछेंगे ही, पड़ोसियों का काम है पूछने का, और पूछना भी चाहिए, नहीं तो आप ही कह दोगे कि मेरे तो भैंस बीमार है, पड़ोसियों ने पूछा ही नहीं। दिन में एक बार तो पूछना ही चाहिए कि भाई भैंस ठीक हुई कि नहीं हुई। ये तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, मेन फिटनेस का आप चेक करो इसमें। हेलो,
पानी बराबर पी लेती है एकदम, जब पानी पी की कौन पी आ कुछ भी नहीं की कौन पी कोशिश तो पीबा की दिख रहा चरबा भी दिख रहा। आपके नजदीक में कोई पेड़ है क्या दूसरी जगह, जैसे यहाँ तो सेट नहीं बैठेगा क्योंकि इसका अगर हम मुंह चेक करें ना, एक ट्यूब आती है स्टोमक ट्यूब, वो डाल करके मुंह चेक करना पड़ेगा कहीं अंदर कुछ है तो नहीं। गांठ हमारा पास स्कूल है, स्कूल में फोन डबल उठवाता पड़ेगा। कोई बात नहीं, रहने देते हैं, आज आज कैंसिल करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। मूवमेंट है सर, मूवमेंट है ना, मूवमेंट तो है सर, पक्का है ना, चलो ठीक। चलो देखो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मूवमेंट बराबर है, ठीक है, इसका मतलब बच्चा इसका जो है ना वो सही है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है एकदम से। ओके तो दोस्तों देखो इसकी ये कंडीशन है पूरी तरीके से, 20 दिन से बीमार है, गोबर आपने देख लिया, अभी निकाल करके भी आपको दिखा दिया, ये सारी कंडीशंस आपके सामने है, तो इसका क्या इलाज होना चाहिए देखिए मैं अगले वीडियो में आपको इलाज सहित बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, क्या क्या आप लोगों ने किया है, ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में लेंगे। डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं दे रही ना, कोई तांता तो नहीं दे रही है ना, है ना, कभी जोर करना, ऊँट बैठ करना, पेट दर्द होना, कोई शिकायत नहीं है पेट दर्द की, है ना। चलिए ठीक है फिर।